नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। विकास खंड क्षेत्र के बेरी गांव में बने राजकीय कॉलेज के हालात इतने खराब हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार चाहे लाख दावे करे पर सरकारी स्कूल में भवन बदहाल हैं। मरम्मत नहीं होने से कई स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। ऐसी हालत में विद्यार्थियों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इन सबके बावजूद शिक्षा विभाग आंखें मूंदकर तमाशा देख रहा है। क्षेत्र के बेरी ग्राम पंचायत में बना राजकीय हाई स्कूल विद्यालय के भवनों के हालात खराब हैं। कहीं बंद कमरों में मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, छतों के सरिये निकले हुए हैं और जंग लगी हुई है। कक्षों की हालत खस्ता होने के कारण इन कक्षों में बंद करके खुले में पढ़ाई की जा रही है। मजबूर अध्यापिका इनकी अभी तक मरम्मत नहीं करा पाए हैं। वहीं प्रधान अध्यापिका वैष्णवी गौड़ ने बताया कि विद्यालय की दीवारें कई दिनों से जर्जर हैं। बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाया जा रहा है। इस जर्जर भवन की जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, ना ही स्कूल की मरम्मत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कुरारा विकासखंड क्षेत्र के ककरौ ग्राम पंचायत के खरहेटा गांव स्थित बना प्राथमिक विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन इस पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। वहीं प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा पर भले ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च करे, शिक्षकों को भारी वेतन और बच्चों को नई ड्रेस, किताबें व मिड डे मील बांट रही है, लेकिन जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के कुरारा कस्बे के कई स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के खरहेटा गांव के प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में से अधिकतर कमरे जर्जर अवस्था में हैं। इन्हीं जर्जर भवनों में स्कूल चल रहे हैं। शासन स्तर पर नीतिगत मामला बताकर इन स्कूलों में जर्जर भवनों को ठीक कराने से शिक्षा विभाग के अफसर खुद को लाचार बताते चले आ रहे हैं। हालात यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब हजारों बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन गरीब परिवारों के बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। स्कूल के प्रधान अध्यापिका भावना देवी ने बताया, विद्यालय भवन काफी जर्जर हो चुका है, बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई दिखती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत।